हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। पावर क्वेरी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे पावर क्वेरी के इम्पॉर्टेंट फीचर की, और ये फीचर है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय फीचर की हेल्प से आप अपने डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। ये ग्रुप्स यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने इन ग्रुप्स को कैसे क्रिएट करना है। बेसिकली हम ये ग्रुप्स जो हैं किसी कॉलम के बेस पे क्रिएट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कैसे आप अपने डेटा को ग्रुप करेंगे और उस डेटा के ऊपर लेटर ऑन आप क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं और आप एंड तक इस ट्यूटोरियल में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे कुछ सेल्स पर्सन का डेटा है, उनके नाम, उनके द्वारा सेल किए गए प्रोडक्ट, कितनी सेल की है एक मंथ में और उनके कॉन्टैक्ट नंबर। तो अगर आप ध्यान से इन प्रोडक्ट्स को देखें तो ये प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किए हुए हैं। पेन है, पेंसिल, इरेजर, पेन स्टैंड, शार्पनर, तो इस तरह से ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अलग अलग हैं। तो मैं चाहती हूँ कि प्रोडक्ट वाइज मेरे पास अलग अलग ग्रुपिंग हो जाए। पेन, जो सेल्स पर्सन पेन प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वो अलग से आ जाए, पेंसिल वाले अलग आ जाए, इरेजर वाले अलग आ जाए और उनकी टोटल कितनी कितनी सेल हुई है वो मुझे विजिबल हो जाए। तो ये सारा काम मैं करने वाली हूँ ग्रुप बाय फंक्शन से। तो ग्रुप बाय यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने अपने डेटा पे क्लिक करना है। डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ से आपको फर्स्ट ग्रुप मिलेगा, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। तो यहाँ पे ये आइकन देखिए, ये है फ्रॉम टेबल और रेंज। आप यहाँ पे से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप गेट डेटा में जाएंगे फ्रॉम अदर सोर्स और यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलेगी फ्रॉम टेबल और रेंज। इस पे आप क्लिक करेंगे, जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे आपका जो डेटा है वो पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे सारे कॉलम आ चुके हैं, सेल्स पर्सन के नाम, प्रोडक्ट, सेल्स और उनके कॉन्टैक्ट नंबर। तो सेकंड जो स्टेप यहाँ पे अप्लाई हुआ है वो है चेंज्ड टाइप। जो इनकी टाइप्स हैं पावर क्वेरी ने अपने अकॉर्डिंग उसको देखा कि डेटा कैसा है और उसकी जो डेटा टाइप्स हैं वो इन्होंने चेंज कर दी है। तो अब हम बात करेंगे इनको ग्रुप करने की। ग्रुप करने के लिए मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए एक कॉलम की। तो जैसे मैंने इस फर्स्ट कॉलम की हेल्प से इसको ग्रुप बाय करना है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, ट्रांसफॉर्म में जाऊँगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल ग्रुप में आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगी ग्रुप बाय। तो इस पर मैं क्लिक करूँगी तो आपको ग्रुप बाय का डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा और इसमें आपको दो सेटिंग्स मिलेंगी, एक है बेसिक और एक है एडवांस्ड। पहले हम बेसिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आपका यहाँ पे कॉलम, कि आपने जो कॉलम जिसको आपने डिवाइड करके दिखाना है वो कौन सा है। एस नेम, एस नेम मेरे सेल्स पर्सन के नाम है। तो मैं चाहती हूँ कि प्रोडक्ट के बेस पे अलग अलग मेरे पास कैटेगरीज बन जाएँ कि इस सेल्स पर्सन ने ये प्रोडक्ट को सेल किया है और कितनी क्वांटिटी सेल की है। नेक्स्ट है न्यू कॉलम नेम। जब मेरे पास एक नया कॉलम बन के आएगा तो उसका नाम क्या होगा, तो मैं यहाँ पे उसका नाम रख देती हूँ न्यू। देन इज ऑपरेशन, आप इन कॉलम्स के ऊपर क्या ऑपरेशन लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन हैं, सम है, एवरेज है, मीडियन, मिन, मैक्स, ऑल रोज पे करेंगे या काउंट रोज पे करेंगे। तो ये आपको नंबर ऑफ रोज बताएगा, जैसे मेरा फर्स्ट सेल पर्सन है गगन, तो कितनी रोज में इसका डेटा है तो ये काउंट रोज से पता चल जाएगा। तो जो ऑपरेशन आप लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी सम, क्योंकि अब मुझे ये देखना है कि जो फर्स्ट सेल पर्सन है, फॉर एग्ज़ाम्पल गगन, उसने प्रोडक्ट सेल की पेन और कितनी सेल की है उसने। हो सकता है उसकी कोई सेकेंड एंट्री भी हो, तो यहाँ से अब मुझे पता चल जाएगा कि किस सेल पर्सन ने क्या क्या चीज़ें सेल की हैं और कितनी क्वांटिटी में सेल की हैं। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगी सम। अब इस ऑपरेशन को मैंने
किस कॉलम पे लगाना है। तो देखिए जो मेरा सम ऑपरेशन है वो किसी न्यूमेरिक वैल्यू पे ही लगेगा, वो किसी नाम पे तो नहीं लग सकता। तो मुझे यहाँ पे मेरे पास एक कॉलम है सेल्स, यहाँ से मुझे पता चलेगा टोटल कितनी सेल हुई है। तो मैं किस कॉलम के ऊपर इसको लगाऊंगी, तो मैं इसको यूज़ करूंगी सेल्स के ऊपर। तो अब जो मेरी ग्रुपिंग होगी वो होगी सेल्स पर्सन के नेम के अकॉर्डिंग, लेकिन जो बैकएंड पे उसके ऊपर काम करेगा वो क्या करेगा, ऑपरेशन सम काम करेगा और किस कॉलम पे काम करेगा, सेल्स पे काम करेगा। और इसको मैं कर दूंगी ओके। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास सेल पर्सन के नेम है और कितने कितने प्रोडक्ट उन्होंने सेल किए हैं, तो ये आ चुका है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट की कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है कि गगन ने कौन सा प्रोडक्ट सोल्ड किया। तो उसके लिए अब हम यूज़ करेंगे एडवांस्ड ग्रुप बाय। इसको मैं यहाँ से ग्रुप्ड रोज़ को करूँगी क्लोज। तो देखिए ये मेरा डेटा वापस आ चुका है। हम दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ग्रुप बाय, और अब मैं यूज़ करूँगी एडवांस्ड ऑप्शन। एडवांस्ड में ये होता है कि जब भी आप ग्रुपिंग करते हैं तो आप मल्टीपल कॉलम के बेस पे ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे करना है एस नेम से। नेक्स्ट यहाँ पे ऐड ग्रुपिंग पे मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगी प्रोडक्ट। नीचे चलेंगे, यहाँ पे कॉलम का नाम लिखेंगे। तो कॉलम का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने दिया न्यू। ऑपरेशन में सेम यूज़ करूँगी सम। अब मुझे ये दिखाएगा कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी कितनी सेल हुई है। तो ये ऑपरेशन आप किस कॉलम पे लगाएंगे, सेल्स कॉलम पे, और इसको करूँगी मैं ओके। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो अब आप देख सकते हैं ये मेरे पास टोटल लिस्ट आ चुकी है मेरे सारे के सारे एम्प्लॉयज़ की। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि किस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने क्या प्रोडक्ट सेल किया और कितनी क्वांटिटी में सेल किया है। फॉर एग्जांपल गगन है, इसने पेन जो है टोटल 25 सेल किए हैं। विनोद है, इसके पास जो प्रोडक्ट थे पेंसिल, उसकी सेल हुई है 12। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स कितने कितने सेल हुए हैं ये मुझे अब पता चल गया है। यहाँ से आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके भी देख सकते हैं। तो इस ऑप्शन के देखिए ये जो ऑप्शन है ये हम पिवट टेबल की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका डेटा बहुत बल्क में है, आप उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज करना चाहते हैं, अगर आपके पास लैक्स ऑफ रोज हैं, तो उस टाइम पे आप पावर क्वेरी यूज़ करेंगे, क्योंकि पावर क्वेरी जो है वो मल्टीपल रोज को हैंडल करने में काम आती है। आपका डेटा जितना भी हो पावर क्वेरी उसको इजीली हैंडल कर लेगी। तो ये फ़ायदा है पावर क्वेरी को यूज़ करने का। इस तरह से आप अपने डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं और उसके ऊपर जो आप ऑपरेशन फर्दर लगाना चाहते हैं वो आप इजीली लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरी पावर क्वेरी की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।